गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 7 द्वितीय भाषा द्वितीय सन यानी कि सेकेंड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 समय सारणी। ये है, इसमें समय सारणी में क्या दिया हुआ है कि समय बहुत कीमती है, समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। समय की बचत के लिए हमारे रोज़मर्रा के काम यानी रोज़ के जो हमारे काम होते हैं, पाठशाला जाना, बस, रेल, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यानी कि जो भी हमें जहाँ जाना रहता है उसकी कद समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारणी अभ्यास के लिए रखी है। देखो यहाँ पे एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भाव प्रतक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। यहाँ पे बताया गया आपको कि बच्चों आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्तियाँ करते हैं। देखिए यानी कि अपने डेली रूटीन यानी सुबह से लेकर शाम तक आप जब उठते हैं सोकर तब से लेकर रात में सोने तक आप क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्रम में दिया हुआ है 1-2 समय है, आप कितने बजे उठते हैं, प्रवृत्तियाँ आप क्या करते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप 6:45 यानी कि सुबह में आप उठते हैं इतने बजे, और 6 यानी कि नहा धोकर आप नमाज या प्रार्थना करते हैं। 6:30 बजे सुबह अल्पाहार यानी कि सुबह का जो नाश्ता होता है वो आप करते हैं। फिर यहाँ पे है 4, ये क्या है, पाठशाला। या 7 बजे आप पाठशाला ये स्कूल का जो काम होता है ठीक है वो काम करते हैं। 5वां है 7:15 पाठशाला या स्कूल जाना, क्या आप मतलब उस टाइम आप स्कूल जाते हैं। 9:30 रात को सो जाना, और रात में 9:30 बजे आप सो जाते हैं। इसमें भी आपको और आगे बढ़ा के लिखना है कि हम क्या है कि 12-1 बजे हम स्कूल से घर आते हैं, फिर 1 या 1:30 बजे हम दोपहर का खाना खाते हैं ठीक है, फिर हम दोपहर की नमाज़ पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं जो भी कुछ रहता है वो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं 2 या 4 बजे हम ट्यूशन जाते हैं ओके ठीक है। इस तरीके से आप करके आगे बढ़ा के आप लिख सकते हैं ठीक है बच्चों। फिर आगे भी है कि आपके घर से कौन यानी कि आपके घर में कौन कितने बजे कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनानी है। उस यानी कि आपके घर में जैसे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, अंकल हैं, जो भी कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कब उठते हैं, कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में जैसे यहाँ लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण है कर्म में 1-2 नाम है दीपक और राहुल। मान लीजिए ये आपके भाई बहन भाई हैं, समय 8 बजे वो क्या करते हैं मंदिर, या फिर क्या है 7 बजे 6 बजे उठ के वो नमाज़ पढ़ते हैं ठीक है। या फिर जगदीश भाई हैं वो 9 बजे उठते हैं तो अपना नाश्ता पानी करके ऑफिस जाते हैं। रोहित हैं वो 10 बजे उठते हैं तो स्कूल जाते हैं पाठशाला। फिर बड़े भाई अगर हैं चाहे बड़ी बहन हैं तो इतने बजे कॉलेज जाती हैं ठीक है। फिर भाई हैं तो इतने बजे क्या है यानी कि 6:30 बजे क्या है पुस्तकालय ठीक है लाइब्रेरी जाते हैं। इस तरीके से आप अपने फैमिली के मेम्बर्स का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओके बच्चों। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है। चलिए हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट है हमारा ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि समय सारणी राधनपुर बस डिपो पालनपुर विभाग यानी कि राधनपुर से बस डिपो कहाँ जाती है पालनपुर विभाग तक जाती है, वहाँ इसके बारे में कौन सी बसें कहाँ कहाँ जाती हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ द्वारा मिल जाएगा ओके बच्चों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों ओके बाय।